सत्ता में बैठने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते, फिर चाहे किसी का गला काटना हो, किसी का मर्डर करना हो या फिर कुछ और। राजनीति का ABCD यहीं से शुरू होता है। वही हाल देश की राजधानी दिल्ली का है। एक तरफ वो हैं जो राजनीति की ABCD सीखना शुरू कर चुके हैं, दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने राजनीति में PhD कर रखी है। दिल्ली की राजनीति भी उसी का उदाहरण है। दिल्ली में चुनाव की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि केजरीवाल के नामांकन के बाद ये घमासान और तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी और BJP के बीच हर रोज नए नए मुद्दों पर बहस छिड़ती रहती है, लेकिन इस बार केजरीवाल ने BJP को आखिरकार पटखनी दे ही दी। केजरीवाल के सामने BJP से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर BJP ने केजरीवाल के सामने एक नया चेहरा लेकर खड़ा कर दिया। ये BJP का डर ही है जो उसने नए चेहरे पर दांव खेला है। राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर भी आखिरकार केजरीवाल के सामने लड़ने से क्यों मुकर रहे हैं? क्या BJP को केजरीवाल की लोकप्रियता का डर सताने लगा है? दिल्ली में विधानसभा चुनाव लगातार अपना मौसम बदल रहा है। लड़ाई लगातार रोचक होती जा रही है। नामांकन के आखिरी दिन BJP अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया प्रत्याशी उतार सकती है। सोमवार को जारी हुई लिस्ट में BJP ने सुनील यादव को प्रत्याशी तो बना दिया, लेकिन अब खबर है कि नई दिल्ली सीट से सुनील यादव का टिकट काटकर प्रत्याशी बदला भी जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के लिए मंगलवार आखिरी दिन था। CM अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। केजरीवाल सोमवार को ही नामांकन करने वाले थे, इसके लिए उन्होंने रोड शो भी किया था, लेकिन समय से वो निर्वाचन कार्यालय नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से नामांकन नहीं हो पाया। अंतिम समय में BJP ने सुनील यादव और कांग्रेस ने रोमेश शबरवाला को मैदान में उतार दिया। केजरीवाल ने BJP पर चुटकी लेते हुए कहा कि क्या उनके पास अब मेरे सामने लड़ाने के लिए कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो मुझे हरा सके। आखिर BJP में इतना डर क्यों? में BJP केजरीवाल की लोकप्रियता से डर चुकी है या फिर ये उसकी नई रणनीति है? ये तो अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे। किसकी रणनीति कितनी कारगर रही? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।